हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल को पढ़ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में सबसे पहले हम इसके एसिड के वो एसिड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, बात को ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा RCOOH, देन आफ्टर H2CO3, देन आफ्टर आपका PHOH, देन आफ्टर आपका H2O, देन आफ्टर आपका ROH। दिस इज अ जर्नली ऑर्डर, ये आपका जर्नल ऑर्डर है। तो आपका यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का ये आपका कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चों? जर्नल ऑर्डर। ठीक है, तो आपको इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ अब हम समझते एक एक करके कि अगर मैंने यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन, देखो बच्चों, फिनोल की रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पर Na2CO3 के साथ करवा दी, तो यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है? यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आपका बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका बनेगा O-Na+ और साथ में क्या बनेगा? H2CO3। अब जैसा कि आप जानते हो कि H2CO3 ये भी आपका एसिड है, ठीक है, ये भी आपका एसिड है, लेकिन H2CO3 आपका फिनोल से ज्यादा एसिडिक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब हमेशा रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में कन्वर्ट होता है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए ये रिएक्शन आपका कहां जाएगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ये रिएक्शन आपका कौन से डायरेक्शन में जाएगा बच्चों? आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन आपका कौन से डायरेक्शन में मूव होगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाई, तो यहाँ पर भी आपका रिएक्शन कहाँ जाएगा बच्चों? इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन होगा, O-Na+, और यहाँ पर H2CO3। फिर से रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन, ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करा दी, तो आपका क्या जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर फिनोल के साथ आपका क्या बनेगा बच्चों? O-Na+, ठीक है, O-Na+, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? H2O। H2O आपका क्या है बच्चों? वीक एसिड होगा, मतलब H2O आपका फिनोल के कंपैरिजन में वीक एसिड होने की वजह से आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी का एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ बच्चों, जो आपने ग्रीक नाट में पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर अगर मैंने RMGX की रिएक्शन, CuCuLi यहाँ पर Cu के साथ करा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर R2Cu बन जाएगा, R2Cu बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों? RCU बन जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा? MgX। तो इस तरीके से भी आपका रिएक्शन होगा। देखो, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यह आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर आपका क्या बन गया बच्चों? ये आपका वीक बेस। तो इस तरीके से हमेशा अगर एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाके वो आपका वीक एसिड की तरफ जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? वीक बेस के डायरेक्शन में। सेम रिएक्शन अगर मैंने RMGX की रिएक्शन बच्चों यहाँ पर ZN के साथ करा दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? आपका यहाँ पर बनेगा R2ZN, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? MgX2। इस टाइप का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको मैं CuX कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर भी आपका मैं ZnX2। ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोग्रेस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा रिएक्शन बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक की ओर मूव करेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर मूव नहीं करेगा। अगर मैं रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, तो वो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस। दीज ऑल रिएक्शन आर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, दीज ऑल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
दीज ऑल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, बट एग्जाम्पल नंबर वन एंड एग्जाम्पल नंबर टू आर नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है बच्चों. कौन सा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है. और यहाँ पर जो तीनों होंगे बच्चों वो आपका क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो इस तरीके से हमें ये फिनॉल के एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में पता पड़ता है बच्चों. तो अब हम चलते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे समझते हैं बच्चों. यहां पर तो हमने इसके एसिड बेस को समझ लिया, अब ध्यान से समझेंगे बच्चों. अब सबसे पहले हम इसके समझते हैं अल्काइलेशन, अल्काइलेशन रिएक्शन. देखो बच्चों सबसे पहला अल्काइलेशन, अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल का अल्काइलेशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों? ध्यान से समझते देखो, फिनोल का अल्काइलेशन करने का तरीका ध्यान से समझना. न्यूक्लियोफाइल, अब हम इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करेंगे. देखो किस तरीके से, अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन आपका NaOH और CH3I के साथ करा दिया तो क्या होगा बच्चों? देखो सबसे पहले NaOH के साथ ये आपका रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहां पर ये NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा, ये इसको हटा देते हैं अभी, बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा. यहां पर ये आपका O- Na+ बना लेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिनोक्साइड आयन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिनोक्साइड, ठीक है, फिनोक्साइड बन जाएगा. अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करा दिया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और यहां से ये आपका बाहर निकल जाएगा. तो यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर आपका NaI एज अ प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है. काफी इजी रिएक्शन है. इसी तरीके से मैं एक और रिएक्शन बोल सकता हूँ बच्चों. यहाँ पर देखो, अगर मैंने OH की रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर CH2N2 के साथ करा दिया, किसके साथ? CH2N2 के साथ, डाई एजो मेथेन के साथ हीट किया, तो ये एच अपना इसको देगा. सबसे पहले क्या होगा, यहां पर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले ये अपना एच उसको देगा, तो एच देगा तो यहां पर CH3, ठीक है, यहां पर एक्चुअली इस तरीके से होगा, ये आपका CH2-, ठीक है, एन, यहां पर एन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज. अब ये अपना एच इसको देगा, जैसे ही ये अपना एच अगर इसको देगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से ये आपका O- और ये इसने H इसको दिया और यहाँ पर N+ ट्रिपल बॉन्ड N, ये अब एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा. जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बना लेगा बच्चों? आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेगा OCH3 और साथ में N2 गैस का रिमूवल होगा, ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका प्रिपरेशन मेथड कर सकते हैं. ये आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका एनिसोल होता है. ये आपका क्या होता है? एनिसोल. ये दोनों आपके क्या होंगे बच्चों? एनिसोल, ठीक है. आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे. अब देखो अल्काइलेशन में एक और फिनोमिना है. अब ध्यान से, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे. देखो अब देखो, यहाँ पर अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 BR के साथ कराया, मतलब अलाइल ब्रोमाइड, मतलब आप, हाँ, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं अलाइल हैलाइड के साथ, अगर मैंने NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या होगा? सबसे पहले आपका फिनोक्साइड आयन बनेगा. सबसे पहले आपका क्या बनेगा बच्चों? फिनोक्साइड आयन, O- Na+ NaOH के प्रेजेंस में. नाउ अब ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका BR, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा और BR एज अ लिविंग ग्रुप आपका फिर बाहर निकलेगा. अब देखो BR एज अ लिविंग ग्रुप अगर आपका बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा OCH2CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है. अब देखो ध्यान से समझेंगे, इसको मैंने स्टार लिखा है, इसको मैंने क्या क्या कर देता हूँ बच्चों, मैं इसको स्टार कर देता हूँ.
अब यहां से आपको एक चीज समझने को मिलेगा, यहां से हमें एक नया नया यहां पर आपका रीअरेंजमेंट होगा। इसके बाद आपका क्या हो सकता है बच्चों, आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस आपका अकर होगा। देखो किस तरीके से, यहां पर आपका क्या होगा, इसके बाद आपका रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसका अब इसके बाद आपका क्या होगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट आपका क्या होगा, देखो यहां पर रीअरेंजमेंट, देखो यहां पर क्लेजन रीअरेंजमेंट कराने का तरीका ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखो ये आपका O, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस कंपाउंड को लिख दिया। अब देखो यहां पर ये क्या हो गया, स्टार वाला है, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा है बच्चों, स्टार वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर आपका हाइड्रोजन होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, और ये वाला बॉन्ड आपका इसके पास खुल जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड आपका इस तरफ चला जाएगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो आपका रीअरेंजमेंट हुआ वो किस तरीके से हुआ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहां से जो H प्लस निकला है, यहां पर आपका O, ठीक है, ये आपका H, इसको मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है, इसको मैं बाद में करता हूँ बच्चों डिस्कस। ये सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन आपका इसके पास चला जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OH, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जो आपका स्टार वाला था वो आपका कहां आ गया बच्चों, अंदर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट। थोड़ा इस रिएक्शन का ध्यान रखना। अब इस रिएक्शन के बारे में बात यह है कि हमेशा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। हमेशा आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा बच्चों, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो इसके बारे में मैं आपको लिखाता हूं, ऑलवेज 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 ऑर्थो प्रोडक्ट बिहेव एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट आपका किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूटेड देन पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बेटा यहां पर मैंने इस तरीके से कर दिया, ध्यान से समझना, यहां पर मैंने ओ सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ए डबल बॉन्ड सी एच टू, अब यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर मैंने CH3 लगाया। नाउ अब आपका जो क्लेजन कंडेंसेशन होगा, कौन सा बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन या फिर रीअरेंजमेंट। अब यहां पर आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा तो वो किस तरीके से होगा बच्चों, ये आपका पेरा पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किस पर आ जाएगा बच्चों, पेरा पर आ जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CA डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर ये वाला स्टार था, यहां पर ये वाला स्टार हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। लेकिन कब, जब दोनों ऑर्थो आपके बिजी हो, दोनों ऑर्थो आपके बिजी हो। अगर आपका एक ऑर्थो बिजी होगा तो दूसरे ऑर्थो से आपका यहां पर क्लेजन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि क्लेजन री अरेंजमेंट हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू आपका पेरा पोजीशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन पे देखते हैं बच्चों, यहां पर असाइलेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। असाइलेशन ऑफ फिनोल, असाइलेशन ऑफ फिनोल, ठीक है बच्चों। तो फिनोल का असाइलेशन किस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत
बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो यहां पर, आप देखो हमारे पास क्या है बच्चों, OHA। अगर मैंने इसकी रिएक्शन RCOCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर OCOR, अब आपको मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज्म आपका किस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका भी असाइलेशन हो सकता है। और एक और मेथड है कि अगर मैंने असाइलेशन में, देखो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अगर मैंने असाइलेशन में एनहाइड्राइड ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एनहाइड्राइड कंपाउंड ले लिया पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो ये आपका यहाँ अटैक करेगा और ये आपका ऊपर खुलेगा, तो ये यहां पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों, OCOR, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे, ये भी आपका क्या बच्चों, ईस्टर है, ठीक है, फिनाइल एल्काइल एस्टर, ये भी आपका क्या है बच्चों, ईस्टर है। अब देखो जैसे ही आपका असाइलेशन होने के बाद यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट में AlCl3 में रख दूं, अगर मैं इसमें क्या रख दूं बच्चों, AlCl3, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें AlCl3 रख दूं तो यहां पर जो आपका रीअरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्राइस रीअरेंजमेंट। मतलब फ्राइस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका COROH, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहां पर या फिर आपका पेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। आपका कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा बच्चों, ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा फ्राइस रीअरेंजमेंट हमारा किस तरीके से होगा बच्चों, सिंपल है, एक बार अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा एट लो टेम्परेचर, या आपका लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, और अगर मैं बात करूं कि माइनर, या आपका मेजर होगा कब, या आपका मेजर होगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे ये आपका माइनर होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको, ध्यान से देखो यहाँ पर फ्राइज रीअरेंजमेंट हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आपका AlCl3 होता है बच्चों, उसमें आपका वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसको देगा, मतलब ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो यहां पर आपका OAlCl3, इसके ऊपर माइनस साइन, ठीक है, इसके ऊपर प्लस साइन, इसने लोन पेयर दिया, नाउ ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब ये वाला बॉन्ड आपका इस तरफ खुलेगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, OAlCl3, ये आपका माइनस, और यहां पर आपका असाइलेनियम आयन बन जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, असाइलेनियम आयन बन जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कि ये आपका इस तरफ अटैक करेगा, ये आपका बाहर निकलेगा, और यहां पर इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपका नीचे जाएगा रेजोनेंस करके, जब ये आपका रेजोनेंस करके नीचे जाएगा तो ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा। अब जो ये यहां से जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर आया, इस पर कौन अटैक करेगा, असाइलिनियम आयन, और इस पर जैसे ही आपका असाइलिनियम आयन अटैक करेगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, COR हो जाएगा बच्चों, और यहां पर H होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा इस तरफ, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, और यहां पर आपका H अटैक कर जाएगा, नाउ अब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। देखो यहां पर आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको फ्राइस रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन पूछता है बच्चों, आपको एस्प्रिन के केस में पूछेगा, किसके केस में पूछेगा बच्चों, एस्प्रिन के केस में, तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके एल्काइलेशन ऑफ फिनोल के आगे का प्रोसेस है, अगर इसके आगे मुझे अगर AlCl3 अगर मुझे दे देगा तो हमको हमेशा क्या कराना है बच्चों, फ्राइस रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक मैंने क्लेजन बताया था, किसमें क्लेजन मैंने बताया था आपको अल्काइलेशन में, लेकिन फ्राइस मैंने किसमें बताया बच्चों, असाइलेशन में, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है।
आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड रिएक्शन देखते हैं बच्चों यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ फिनोल, ध्यान से समझना बच्चों, रिडक्शन ऑफ फिनोल। थर्ड रिएक्शन आपका क्या है बच्चों? रिडक्शन ऑफ फिनोल, यहां पर ध्यान से समझना, रिडक्शन ऑफ फिनोल। देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैंने OH को, फिनोल को अगर मैंने जिंक के प्रेजेंस में गर्म कर दिया, जिंक मेटल के प्रेजेंस में अगर मैंने हीट कर दिया जिंक डस्ट के प्रेजेंट में, तो ये आपका सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बेंजीन में। इसकी आपको मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ रिएक्शन आपको मगअप करने स्टार्ट करने पड़ेंगे एरोमेटिक के, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। ध्यान से समझना, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल या फिर हम इसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल के नाम से ज्यादा फेमस है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। अब देखो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल का किस तरीके से होगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से समझना। अब ये आपका ये हुआ OH, अब यहां पर Br2 water लिया, एक बार मैंने क्या लिया बच्चों Br, और यहां पर मैंने लिया CH2, ठीक है। अब दिक्कत की बात ये है कि Br2 water होगा तो आपका ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बात किया इसका, तो यहां पर आपका डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ये आपका इस तरीके से, और यहां पर आपका किस तरीके से बच्चों? इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बना और यहाँ पर मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो अब देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का रीजन ये है कि आपका जो H2O है, H2O की प्रेजेंस में ये आपका H+ लेगा, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O+ में। नाउ ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर फिनोक्साइड आयन में। फॉर रिएक्शन फर्स्ट, मतलब इस रिएक्शन के लिए ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? फिनोक्साइड आयन में। और आप जानते हो कि O- इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ठीक है। और ये आपका स्ट्रॉन्गली क्या करेगा बच्चों? ये आपका क्या होगा? हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। अब जब ये आपका हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होगा, तो ये कहाँ एक्टिवेट करेगा इसको? ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट पे, ऑर्थोपेरा पोजीशन पे आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा बच्चों? इंक्रीज कर देगा हाईली। जब ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाईली इंक्रीज करेगा, तो सारे के सारे ब्रोमीन आपके यहाँ पर ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बन जाएंगे। लेकिन आपका OH इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एज O-। अब आपका O- के उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता, जब ये उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा, तो यहां पर केवल और केवल क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो फिनॉल, यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो फिनॉल बनेगा। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल देखते हैं बच्चों उसको क्या होता है बच्चों उसमें, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, फिफ्थ रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें इसमें आपको मगअप भी करना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, देखो बच्चों अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दिया, तो आपका क्या बनता है बच्चों? पिक्रिक एसिड, आपका क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पिक्रिक एसिड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैंने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर आपका ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, और आपका ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका NO2 नीचे, और ये आपका OH, ठीक है। डायल्यूट के साथ करेंगे तो ऐसा होगा,
लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊंगा तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप सो कि बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन, अब देखो राइमर टीमान रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों, ये अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में अगर मैं इसको हीट करूं और हाइड्रोलाइसिस कराने पर मुझे यहां पर क्या मिलता है बच्चों, सेलिसिलडिहाइड। क्या मिलेगा बच्चों मुझे यहां पर, सेलिसिलडिहाइड। ठीक है, सेलिसिलडिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो सेलिसिलडिहाइड हमें कैसे मिलेगा, समझना, यहाँ पर सेलिसिलडिहाइड मुझे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो देखते काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी अच्छे से इसका मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से रिएक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट के हिसाब से हम करते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपका CHCl3, अगर ये बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका अल्फा एलिमिनेशन होगा। अब यहां पर अगर आपका अल्फा एलिमिनेशन होगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा कार्बिन CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, कार्बिन बन जाएगा और यहां पर आपका KCl और यहां पर आपका H2O रिमूवल हो जाएगा। नाउ अब स्टेप टू में हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। स्टेप टू में हमारे पास ये आपके पास फिनोल है। अब देखो फिनोल की रिएक्शन अगर मैंने OH- के प्रेजेंस में कराया तो ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जैसे ही यहां से ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पर ओ माइनस इस तरीके से बन जाएगा। नाउ जो अब आपका जो ये कार्बिन बना वो आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो ये आपका नीचे जाएगा, ये आपका इधर जाएगा और ये आपका कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज होगा जो कि माइनस चार्ज आपका C- ClCl इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब ये हाइड्रोजन आपको यहाँ चला जाएगा, ध्यान से समझना, ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन इस कार्बन पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ही ये आपका बाहर निकलेगा ये आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बाद में, यहाँ पर आपका CHCl Cl। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है, एक बार ध्यान से समझेंगे। बेस निकला, ठीक है, OH- आया, ठीक है, नाउ इस तरीके से हुआ, बात क्लियर है बच्चों। जैसे ही यहां से ये निकला, ये वाला बोन्ड आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, ये वाला बोन्ड अगर आपका यहाँ जाएगा तो यहाँ से आपका ये डबल बोन्ड यहाँ माइनस। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, स्टेप थर्ड में ध्यान से समझना, वो आपका बना है उसी से अब हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे बच्चों। O माइनस ये आपका CHCl Cl बना है बच्चों, अब क्या करेगा, OH- यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से आपका Cl को बाहर रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे ही आपका Cl को बाहर रिमूव करेगा तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी रिएक्शन है। यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CL। अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और यहाँ से आपका CL बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से, काफी इजी रिएक्शन है, O- CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से HCl आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बन चुका है, सेलिसिलडिहाइड यहाँ पर, लेकिन आपका OH ग्रुप नहीं है। ध्यान से एक और बार कि यहाँ पर जो आपका H आया है वो कहाँ से आया है, ऑर्थो पोजीशन से। यहाँ पर जो H है वो कौन से पोजीशन का है बच्चों, ऑर्थो पोजीशन का। नाउ फर्दर मैं अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CHO। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। तो अब मैं इसमें वेरिएशन आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर वेरिएशन क्या क्या होगा बच्चों, वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इसकी वेरिएशन की बात करूंगा तो अगर मैंने रिएक्शन में लिया कुछ ऐसा डी, ठीक है, और यहां पर आपका लिया ओ एच, यहां पर भी आपका डी है, ठीक है, यहां पर भी आपका डी है।
अगर मेरी इसकी रिएक्शन इस तरीके से CHCl3 के प्रेजेंस में KOH के साथ अगर मैं H3O+ के साथ कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर CDO बनेगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सिमिलरली कंपाउंड की रिएक्शन देखो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर मैं CHCl3 के प्रेजेंस में KOH के प्रेजेंस में और यहाँ पर D3O+ कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर OD हो जाएगा और यहाँ पर आपका CDO। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CDO। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्थो पोजिशन वाला ड्यूटेरियम इसके साथ आ रहा है और यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो DA होता है बच्चों वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये तो आपका एक पहला वेरिएशन हुआ। अब इस रिएक्शन की एक खास बात होती है बच्चों, इस रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट, इफ 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 ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड, इफ ऑर्थो पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड देन पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। मतलब अगर आपका ऑर्थो पोजीशन अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड होगा तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। देखो ध्यान से, देखो ऑर्थो पोजीशन दोनों में से कोई भी, इफ वन ऑर्थो पोजीशन, मैं लिख देता हूँ वन, एक भी अगर ऑर्थो पोजीशन अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड होगा तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपको बता देता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर देखो ये आपका इससे सब्स्टिट्यूटेड है OCH3। नाउ अब मैं CHCl3 की रिएक्शन KOH के साथ अगर मैं हीट करके हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो अब आपका यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा पेरा प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। ठीक है, नाउ अब इसमें एक और आपका वेरिएशन होता है बच्चों, वेरिएशन समझना। अब देखो अगर मुझे पेरा प्रोडक्ट भी है और ऐसा भी है तो पेरा प्रोडक्ट में हमारा क्या बनेगा, अगर मेरा यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा पोजीशन अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड है और आपको यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, पैरा ही प्रोडक्ट बनाना है, तो पैरा प्रोडक्ट का केस कैसा होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना बच्चों, इसको काफी इजी रिएक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बेस अटैक करेगा। अब बेस अटैक करेगा तो यहाँ पर O-, यहाँ पर इस तरीके से O- बनेगा। अब O- आपका नीचे जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आपका CH3। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, पैरा प्रोडक्ट समझ लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर और डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब आपका कार्बिन कहाँ रिएक्ट करेगा बच्चों, CCl2 मतलब डाइक्लोरोकार्बिन आपका यहाँ रिएक्ट करेगा इस पोजिशन पे। ठीक है, जैसे ही आपका डाइक्लोरोकार्बिन इस पोजीशन पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CCl2, यहाँ पर माइनस चार्ज। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार करोगे तो। ठीक है, अगर मेरा पेरा सब्स्टिट्यूटेड होगा और मुझे पेरा प्रोडक्ट बनाना होगा तो बॉन्ड भी चेंज होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इस तरीके का एक तो प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन साथ साथ आपका स्मॉलर अमाउंट में ये भी आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये भी आपका प्रोडक्ट बनेगा स्मॉलर अमाउंट में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखो। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सो। नाउ अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फॉर्म ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसके सारे आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये आपका साइक्लोहेक्सेन बना दिया, यहां पर मैंने इस तरीके से कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंपाउंड बना दिया, यहाँ पर आपका क्या हो गया बच्चों, OH, यहाँ पर आपका क्या हो गया OH।
अब इसकी रिएक्शन मैंने अगर CHCl3 के प्रेजेंस में KOH के साथ अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यहां पर आपका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है बच्चों। तो आपका एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, एक प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बन जाएगा। एक प्रोडक्ट आपका कौन सा वाला बन जाएगा बच्चों, ऑर्थो वाला, ठीक है। ऑर्थो वाला एक प्रोडक्ट बन गया, तो यहां पर CHO बन जाएगा और यहां पर OH। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा पेरा पे, ठीक है। अगर आपका पेरा सब्स्टिट्यूटेड है, पेरा सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा, बोन का चेंजेस होगा, तो बोन चेंजेस होगा मतलब ये वाला प्रोसेस होगा, ये वाला प्रोसेस होगा, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CHCl2 और यहाँ पर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट समझ में आए होंगे। ये आपका माइनर माइनर फॉर्म में बनेगा और ये आपका मेजर फॉर्म में बनेगा। आई होप सो कि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को समझने के लिए ये आपको सीखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। नाउ अब इसका एक और वेरिएशन है बच्चों यहाँ पर, कि अगर मैंने रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में कराया, मतलब राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों, राइमर टिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, OH की रिएक्शन अगर मैं CCl4 के साथ KOH के प्रेजेंस में कराऊंगा तो सिमिलरली आपका मैकेनिज्म चलेगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, सैलिसैलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसैलिक एसिड, सैली सैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो जाएगा। देखो किस तरीके से होगा बच्चों, यहां पर मैकेनिज्म के हो देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर हाइड्रोलाइसिस H3O, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म को ध्यान से समझ लेते हैं। सिमिलर मैकेनिज्म होगा बच्चों, जहां पर आपका CCl4 और KOH मिलके आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, CCl3, यहां पर आपका प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा बच्चों, ये ध्यान से समझना। यहां पर ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया। नाउ अब क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में यहाँ से बेस को है ना, बेस यहाँ पर हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पर O माइनस इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब ये आपका नीचे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा बच्चों, CCl3+ यहाँ अटैक करेगा। नाउ अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फिर से O, यहाँ पर इस तरीके से CCl3, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नाउ फर्दर अगर मैं यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो H है, ये एच आपका कहाँ जाएगा, ये एच आपका यहाँ से रिमूव होगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एच चला जाएगा, तो ये आपका ओ एच इधर चला गया। अब यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक है, CCl3, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। नाउ अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर ओ एच, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, जहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है आपको, ठीक है। इसी में एक और आपका वेरिएशन है बच्चों, एबनॉर्मल राइमन टिमान रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान से समझना, एबनॉर्मल राइमन टिमान रिएक्शन। तो एबनॉर्मल राइमन टिमान रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल राइमर टिमान रिएक्शन, ठीक है, राइमर टिमान रिएक्शन। अब देखो एबनॉर्मल राइमर टिमान रिएक्शन आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो ये मैंने यहां पर पायरोल लिया है, क्या लिया बच्चों, पायरोल, ठीक है। अब देखो अगर मैं पायरोल लू या थायोफिन लू, पायरोल लू या फिर मैं क्या लू बच्चों, थायोफिन लू, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं यहां पर अगर मैं पायरोल लू या फिर थायोफिन या फिर फ्यूरेन कुछ भी लू मैं, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैंने फ्यूरेन भी ले लिया, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3Cl3 और OH माइनस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हुए रिएक्शन कराऊंगा, सिमिलर में लूंगा, यहां पर भी सिमिलर में लूंगा, तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा बच्चों वो इस पोजीशन पे जुड़ेगा। तीनों के कंडीशन में आपका कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा बच्चों, इस पोजीशन पे, ठीक है।
तो यहां पर आपका CHO बनेगा, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर भी आपका CHO बनेगा, और यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, यहां पर भी आपका CHO बन जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ पायरोल, इन द केस ऑफ पायरोल तो रिएक्शन आपका दो तरीके से भी चल सकता है। यहां पर आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अब ये प्रोडक्ट आपका कैसे फॉर्म होगा समझते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, इसी में इसी का रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको नीचे बता रहा हूं। तो यहां पर ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, यहां पर ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, OH माइनस इसको फिर से निकालेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा N माइनस, और यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ यहां पर अब ये कार्बिन है, CCl2 कार्बिन होगा। अब कार्बिन यहां अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा इस तरीके से कोई रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। देखो CCl CCl CL, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट के यहाँ जाएगा और यहाँ पर प्लस बनेगा, तो ये अपने आप आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ आपका प्लस, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्लस, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड खुला है तो यहाँ पर आपका प्लस साइन, यहाँ पर आपका कौन सा साइन क्रिएट होगा, प्लस साइन। अब प्लस और माइनस आपके क्या बना लेंगे बच्चों, एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपका Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पर माइनस क्रिएट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। देखो यहाँ से क्या हुआ, Cl बाहर निकला और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया। देखो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग मैंने बनाई है और 4 कार्बन पे मैंने Cl लगाया है। तो इस तरीके से भी आपका रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल रायमन-टिमान रिएक्शन। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट और फाइनल रिएक्शन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी ओर मूव करते हैं बच्चों, कोलबे शिमिड रिएक्शन, ठीक है। कोलबे शिमिड रिएक्शन लास्ट रिएक्शन आपका क्या है, कोलबे शिमिड रिएक्शन। अब देखो कोलबे शिमिट रिएक्शन क्या है बच्चों, शिमिट रिएक्शन ध्यान से। अब देखो कोलबे शिमिट रिएक्शन में बच्चों आपका फिनोल की रिएक्शन अगर मैं NaOH और CO2 के साथ कराऊंगा, NaOH और CO2 के साथ फिर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपका बनेगा यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहां पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब देखो यहां पर सैलिसिलिक एसिड किस तरीके से बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर आपका सबसे पहले OH है, ठीक है। OH को सबसे पहले NaOH क्या करेगा, बेसिक बेस है तो ये आपको यहां पर इसको निकाल लेगा, ट्रैप कर लेगा इस तरीके से, ये आपका नीचे जाएगा, ये आपको यहां जाएगा। तो नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका CO2 है, अब देखो CO2 आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, O माइनस डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ से जो आपका Na+ था यहाँ आके जुड़ जाएगा Na+, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर CO- डबल बॉन्ड Na+। फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, OH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CO-H डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड। हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, मेजर होगा, ध्यान से समझना। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात, जो आपका H3O+ से, H3O+ से आपका ये वाला H आया, और ये वाला H आपका कहां से आया बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन से, देखो रिएक्शन में, ठीक है बच्चों, काफी सिंपल है।
अगर मैं इसका वेरिएशन बोलना चाहूं, तो अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, इस रिएक्शन को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, NaOH CO2 यहां पर D3O+, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, COOD, और यहां पर आपका OH बन जाएगा। काफी सिंपल है। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया यहां पर रिएक्शन को, ड्यूटेरियम आइसोटोप मैंने ले लिया, नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर H3O+ लिया, नाउ अब आपका यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा OD, यहां पर COOH। ठीक है, ये वाला H तो हाइड्रोलाइसिस से आएगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन से हमको सैलिसिलिक एसिड और राइमेंटिमान से हमको क्या मिलेगा बच्चों, सैलिसिलडिहाइड। राइमेंटिमान से हमको क्या मिलेगा, सैलिसिलडिहाइड। नाउ जो अब आपका फाइनल रिएक्शन है बच्चों, वो आपका क्या है, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल का ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से कराएंगे, वैसे जनरली जनरली ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, जनरली जनरली ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका ऐसा हुआ कंपाउंड, तो यहां पर मैंने अगर केमेनोफोर लिया, क्या लिया बच्चों, केमेनोफोर लिया, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर मैंने ये लिया, ये लिया, अगर मैंने ये लिया यहां पर, तो यहां पर केमेनोफोर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर रिएक्शन हो जाएगी और ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आपको निकाल देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड हो जाएगा। नहीं, आपका 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ही नहीं है ना एलिमिनेशन करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडेशन में आपको 1 एलिमिनेशन करना पड़ेगा, 1 2 एलिमिनेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन जनरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन, इफ अगर मैंने फिनोल की रिएक्शन आपके K2S2O8 के साथ, या फिर Na की लिखा भी, वो Na2S2O8 भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों हो सकते हैं बच्चों, इसके साथ कराया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ये आपका क्या बन गया, क्विनोन। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या करेगा, हीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके का, ये आपका होगा क्विनोन। ठीक है, और ये आपका क्या होगा बच्चों, क्विनोल। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल खत्म होता है बच्चों। तो यहाँ तक आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल में ज्यादा आपका वेरिएशन था। थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो